अरे समर बेटा, ये अनु क्यों नहीं आई है? भैया आ जाएगी कुलरूट, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं होगी, ये वनराज उसे क्यों लेने के लेके गए? आप ये दवाई खाइए वरना मम्मी आएगी तो गुस्सा करेगी। कुलरूट वरुण का कॉल है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ वरुण बोल। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? ट्रेन में बैठ गई है, बस सिग्नल नहीं होगा। एक बार यहाँ आ जाए और सगाई से पहले पहुंच जाए। ये घर है या डिस्को? आवाज कम कर। अब बात शादी का घर तो डिस्को ही होगा ना। अरे शादी का घर है मतलब सबको बेरा करेगी क्या? बंद कर। आप ही ना। क्या हो गया, सबके चेहरे पे 12 क्यों बजे? अरे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ए भगवान। अच्छा समझाता हूँ। देखो जैसे एक कहानी में, एक फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन होंगे तो मजा नहीं आता ना। अरे कोई जलने वाला होना चाहिए, जलाने वाली होनी चाहिए। यू कांट हैव द सेम फूड एवरी डे। तो इसलिए उस खाने में थोड़ा मिर्च होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, गरम मसाला होना चाहिए। मिर्च खाने में होना चाहिए, यहाँ तो पूरी की पूरी सब्जी मिर्च की बनी पड़ी है। अरे यार ये कुछ भी बात करती है, मुकुल का मुंह बंद करो यार प्लीज। एक तो लड़की लॉजिकल बात कर रही है और ये। हाँ ये, और तुम कह रहे हो कि इसका मुंह बंद करूं? क्यों? देरी का तू बोल, आई एम विद यू। ये बोलेगी तो मैं भी बोलूंगा। हाँ। अरे गाइस 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 प्लीज रिलैक्स, इतने उतावले मत हो। अरे थोड़े टाइम के लिए लाइफ ऑफ ट्रैक गई थी, अब तो बैक ऑन ट्रैक है। हाँ रिलैक्स। तुम दोनों वो जो लेडीज जाती है ना किटी में, उनकी तरह मुंह फुला के क्यों बैठी हूँ? अरे आफ्टर ऑल हैशटैग मान की सगाई में नहीं। मैं कब से बेहोश पड़ा था। बापूजी
बापूजी, उठिए बापूजी, उठिए बापूजी, उठिए उठिए बापूजी, क्या हुआ? संभल के बैठिए, क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा चक्कर आ गया था थोड़ा बस। कब, कैसे? थैंक गॉड कोई चोट वोट नहीं लगी। बापूजी आप ठीक तो हैं? चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। पानी पानी तो डॉक्टर को कॉल करें? नहीं, लेट हो जाएगा। बापूजी आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं सीधे। हाँ बापूजी, चलिए बापूजी। बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ तो आपकी ये हालत तुम्हारी वजह से। बापू जी की उम्र देखी, उनकी हालत देखी, इस उम्र में उन्हें इतनी भाग दौड़ करनी चाहिए? बापू जी अब ठीक है? अरे तेरे होते हुए कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर तुझे इनकी एक पैसे की भी चिंता होती ना तो ये उम्र में इनसे ऐसे भाग दौड़ नहीं करवाती। पर तुझे क्या है, तुझे तो दुल्हन बनना है। तेरा बस चले तो इनसे तेरी बारात का बैंड भी बचवाए, टेंट भी लगवाए और वो मंडप की बल्लियां भी गड़वाए। अरे बेचारे दो मिनट चैन से नहीं बैठते, इनको खाने पीने की सूझ नहीं है तो फिर दवाई तो दूर की बात है। पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे तो बस हीरोइन बनना है, नाचना है, गाना है और आधी आधी रात को वो कपड़िया के साथ घूमना है। बापूजी की जिद थी इसलिए अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी शादी के चक्कर में मैं अपने बापूजी को नहीं खो सकता हूँ। तुम्हें शादी करनी है ना, करो। मंदिर में करनी है, होटल में करनी है, अनुज के घर पे करनी है, अरे सड़क पे करनी है तो करो, आई डोंट गिव अ डैम। पर तुम्हारी शादी इस घर से नहीं होगी। नहीं, नहीं, मेरी बेटी की शादी इसी घर से होगी। नहीं बाबूजी, मिस्टर शाह बिल्कुल ठीक है। इस घर में और भी एक मिस्टर शाह है, मैं। ये घर मेरा है, यहाँ मेरी बात चलेगी और किसी की नहीं। और मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी इसी घर से होगी। नहीं होगी, हम नहीं होने देंगे। बहुत हो गई आप लोगों की मनमानिया। नहीं, इसी घर से होगी। नहीं, मैं इस बुरे सपने को सच नहीं होने दूंगा। मेरी तबीयत की वजह से मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाके दिखा के आऊंगा। हाँ, मेरी तबीयत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी के कन्यादान के बाद मेरी जान भी चली है तो कोई कम नहीं, पर तब तक नहीं, अपने आप को संभालना ही होगा। ऐसे लगाते हैं झाड़ू? हाँ, चार दिन में एक बार आते हो, ऊपर से ठीक से सफाई नहीं करते हो तुम। कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी मैं, ठीक से लगाओ। पता नहीं ऐसे लोगों को नौकरी पे कौन रख लेता है, नौकरी मिलते ही अपने आप को लाट साफ समझने लगते हैं। बापू जी बापूजी क्या कर रहे हैं आप? वो बेटा वो नाच रहा था, खुशी से नाच रहा था तो अचानक गर्मी होने लगी तो पानी मार रहा हूँ, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। बापूजी अपना ध्यान रखिए प्लीज। हाँ। आज तो
पास तो जैसे तैसे करके संभाल लिया, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा। और बात मेरे बेटे की शादी तक पहुंच जाएगी। मैं ऐसा नहीं हो दूंगा। मैं खुद अपनी बेटी की खुशियों के रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगा, नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर के पास जाना था। कभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो भी किसी को मतलब पता है। उठ, अपने बेटे के लिए, बेटी की खुशियों के लिए हिम्मत कर। उठ हसमुख, उठ। अरे यार क्या बात कर रहा। अरे सुन, अरे लेकिन मेरी सगाई पे मुझसे काम कराएगा। ओके ठीक है, कर रहा हूँ तेरे लिए, कर रहा हूँ इस बार। ओके रिलैक्स, बाय। कमाल है यार, मुझे लग रहा था मेरी सगाई अनु से हो रही है, पर यहाँ तो मेरी सगाई काम से हो रही है। बताओ, सगाई पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं शादी के टाइम छुट्टी लूंगा, मतलब लूंगा, बात खत्म, फिनिश। ऑफ कोर्स छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना, हनीमून पे जो जाना है। तो फिर शुरू हो गई। मेरे भोले भालू, अगर मैंने तुम्हें और अन्नू को अकेले छोड़ दिया ना, तो हनीमून के वक्त भी अलग अलग कमरों में अलग अलग होटल में रहोगे। और फिर अन्नू, सॉरी, वो हमारा जो रिश्ता है ना, वो मर्यादा का है। ओए मुक्कू की बच्ची, ज्यादा हो रहा है। ओए भाई, तेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। चुप कर, कुछ भी बोलती है। तुम एक काम करो, तुम ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रिप प्लान किया करो, और हनीमून का जिम्मा मेरे सर पे डाल दो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी। बताओ कहाँ जाना है। जहां समंदर हो, क्योंकि अनु को बीच पसंद है। ओहो, अनु को बीच। बीच, अनु को बीच पसंद है। ठीक है, मैं कुछ जगह शॉर्टलिस्ट करके आपको बता दूंगी। ओके कूल, बस ऐसी जगह सेलेक्ट करना जो बहुत खूबसूरत हो, उतनी ही खूबसूरत जितनी अनु और मेरी कहानी है। मैं चाहता हूं जब वो उस खूबसूरत जगह पहुंचे, उस आइलैंड पे पहुंचे, तब उसे ऐसे लगे कि वो एक फेरी टेल में गई है, एक ऐसी खूबसूरत सी कहानी में जो उसे हमेशा से पसंद थी। तुम दोनों कितने ज्यादा क्यूट हो यार। तुम दोनों की स्टोरी ना, लव स्टोरी एक्चुअली इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। पता है बहुत सारे लोग ऐसे जो जिन पे ना एज का कुछ अलग ही प्रेशर होता है, 40 की उम्र तक पहुंचते ही ना प्यार की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन तुम दोनों जो हो ना, उन्हें प्यार की उम्मीद देते हो, ये बताते हो कि प्यार के लिए एज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है। वो इसलिए पगली क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्यार पर किसी भी उम्र का, किसी भी शख्स का इंडिविजुअल हक नहीं होता, ये सबके लिए होता है, किसी भी एज में, किसी के लिए भी। और अनु को तो सबसे पहले मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। बस अब तू ऐसी इमोशनल बातें करके मुझे रुलाएगी क्या? मैं रोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सगाई पर हैंडसम लगूं, स्मार्ट लगूं, सुंदर लगूं। ओ हेलो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि रोने के बाद ना इंसान और भी ज्यादा खूबसूरत, प्यारा, न्यारा सब कुछ लगता है। तो शाम को मैं भी थोड़ा रो लेता हूँ, अरे मैं भी सुंदर लगूंगा ना। और सुनो, अगर मैं भूल जाऊं रोना तो तुम एक काम करना, तुम वो मेरे हाथ पे चूटी काट देना, मुझे याद आ जाएगा मुझे रोना है। रोना आया क्या? पागल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता ही था, पर अगर मैं एक चीज करूंगी ना तो इससे रोना क्या, चीखे ही निकल जाएगी। क्या बात कर रही? हाँ। सच्ची? हाँ। तो करना। चीखों की बच्ची तेरे तो मैं अभी तेरा तू रुक। अनु के आने से घर में खुशियां फिर से लौट आई। वो घर में रहेगी तो खुशियां डेरा लगा लेंगी। बिल्कुल। बाबूजी आ गई? कहाँ चले? वो
आप पूछेंगे नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे और मिस्टर शाह को लेकर आप परेशान मत होइए। जरा भी चिंता मत कीजिए, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया, मैंने जवाब दे दिया, बात खत्म। मुझे पता था कि तू और अनुज मिलके सब संभाल लेंगे। मैं जरा पंडित जी से मिलके आता हूँ, तू जा अंदर जा और तैयार हो जा। देख खबरदार, खबरदार जो कोई काम किया है तो सिर्फ तैयार होना है। सगाई में मेरी बेटी परी लगनी चाहिए है? बापू जी ये देखिए, अरे हाँ निशान भी हल्का हो गया, वैसे ही मिट भी जाएगा। अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब शाम होगी और तेरी ये उंगली में अनुज के नाम की अंगूठी होगी। तुझे पता है जमाने में मुझे राकेश रोशन कहते थे, हाँ आज मैं ऐसा डांस करूंगा कि मुझे ऋतिक रोशन कहेंगे। मैं मुझे बाकी ने कुछ स्टेप्स भी बता दिए ऐसे, वो डन 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 डन। बात क्या है बापूजी, क्या छुपा रहे? इंसान इतना खुश तभी होता है जब वो कोई दुख छुपा रहा होता है। नहीं अरे दुख नहीं। तो बात क्या है बापूजी, क्या छुपा रहे हैं? बोलिए ना, मने कबच आप रोज क्रीम रोल खा रहे हैं? जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं, आप कभी बाहर जाके, कभी घर में भीड़ भाड़ है तो उसका फायदा उठा के कोने में जाके क्रीम रोल खाते हैं कि नहीं बापूजी? क्यों करते हैं बापूजी ऐसा? कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे पूछे बिना आज के बाद मैं क्रीम रोल नहीं खाऊंगा। तेरी शादी से पहले मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी शादी होने के बाद भी कुछ नहीं होगा? वादा, वादा, पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब जा तू अंदर जा और तैयार हो जा। आप भी पंडित जी के पास जा रहे हैं, संभल के जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। जा बेटा, आज तेरा दिन है, बस जी भर के जी ले। कान्हा जी, बेटी का कन्यादान करने तक की मोहलत दीजिए, बस आगे आपकी मर्जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।